हेलो यार, वेलकम टू एमबीबीएस डायरीज। आज हम लोग लैक्रिमल एपरेटस देखेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इट इज़ कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड ड्रेनेज ऑफ लैक्रिमल फ्लूइड। तो लैक्रिमल एपरेटस बेसिकली जो भी हमारा लैक्रिमल फ्लूइड है उसका प्रोडक्शन और ड्रेनेज करता है। बाकी इसका देख लेते हैं कि लैक्रिमल एपरेटस में बेसिकली होता है क्या। तो इसका निमोनिक्स याद रख सकते हैं हम लोग, DNCL4 करके याद रख सकते हैं। तो डी से सबसे पहले हो जाएगा डक्ट्स ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड, फिर एन से हो जाएगा नेसो लैक्रिमल ग्लैंड, इसके बाद सी हो जाएगा सी से कंजक्टाइवल सैक, और फिर आता है L4 आपका। तो L से सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे लैक्रिमल ग्लैंड, फिर लैक्रिमल पंक्टा, फिर लैक्रिमल क्रैनिकुलाई और लैक्रिमल सैक। इसके बाद लैक्रिमल ग्लैंड के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो शेप होगा जे शेप का होगा। इसमें दो पार्ट होते हैं, अपर और लोअर। तो अपर लार्ज ऑर्बिटल पार्ट होगा और लोअर पाल्पेब्रल पार्ट होगा। टू पार्ट्स आर कंटिन्यूअस विद ईच अदर अराउंड द लेटरल मार्जिन ऑफ LPS लिवेटर पाल्पेब्र सुपीरियरिस। तो सबसे पहले ऑर्बिटल को देख लेंगे। इसका जो शेप होता है आलमंड शेप का होता है, बाकी सिचुएटेड होगा लैक्रिमल फोसा में। पाल्पेब्रल जो होता है 1/3 ऑफ द ऑर्बिटल पार्ट होगा और ये सिचुएटेड होता है इन द लेटरल पार्ट ऑफ अपर आईलिड बिलो द LPS और ये एक्सटेंड करेगा सुपीरियर फॉर्निक्स ऑफ द कंजक्टाइवा पे। इसके बाद इसका दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग। सिचुएशन की बात करें तो हमने देख लिया है ऑर्बिटल जो होता है मीडियल सर्फेस ऑफ फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन होगा और जो पाल्पेब्रल होता है बिलो द LPS होगा। शेप की हमने बात कर ली थी, ऑर्बिटल जो था आलमंड शेप का होता है, पाल्पेब्रल जो होगा फ्लैट शेप का होगा। नंबर ऑफ डक्ट्स की बात करें तो ऑर्बिटल 4-5 होगा इसमें डक्ट्स और जो पाल्पेब्रल होता है इसमें डक्ट्स होते हैं 8। इसके बाद इसी हमारा डायग्राम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लैक्रिमल एपरेटस में हमने देखा था कि ऑर्बिटल पार्ट होगा एक लैक्रिमल ग्लैंड का और नीचे ये पाल्पेब्रल पार्ट है और बीच में की मसल होगी LPS लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियरिस। बाकी ये इसके पार्ट हैं, ये कंजक्टाइवल सैक हो गया, ये लैक्रिमल पंक्टा हो गया, ये लैक्रिमल कैनिकुलाई हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा लैक्रिमल सैक हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा लेसो लैक्रिमल डक्ट में और बाकी यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपका इंफीरियर मेटस ऑफ लैक्रिमल सैक की। तो सबसे पहले इसके इंटीरियर में होगा आपका मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट और पोस्टीरियर में आपका होगा लैक्रिमल पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई। लेटरल में इसके आपका होगा लैक्रिमल फेशिया और मीडियली जो आपका होगा लैक्रिमल ग्रूव है, तो यहाँ पे आपका होगा मिनेट आर्टेरियल प्लेक्सेस। तो लैक्रिमल ग्लैंड की बात कर लेते हैं, तो इट सिक्रेट द लैक्रिमल टियर एंड इट डक्ट्स कन्वे टू कंजक्टाइवल सैक। एक दिन में अबाउट 1 ml ऑफ लैक्रिमल फ्लूइड सिक्रेट होता है जिसमें से आधा जो होता है इवेपरेट हो जाता है और जो बाकी रिमेनिंग होता है ड्रेन इनटू द लैक्रिमल सैक। तो अब हम लोग इसके फंक्शंस देख लेते हैं जिसका निमोनिक्स खुद ही टीयर्स है। तो सबसे पहले टीस हो गया मेंटेन करेगा ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कॉर्निया, फिर आता है ई, तो ई से एक होगा एक्सप्रेसेस द इमोशन, फिर ए आता है तो एक्स एट बैक्टीरियल साइडल, फिर आर होता है रेंडर्स द नरिशमेंट, नरिशमेंट करेगा कॉर्निया को, फिर एस से सरफेस को मॉइस्ट रखेगा। अब हम लोग इसका पैरासिम्पेटिक पाथवे लैक्रिमल ग्लैंड देख लेते हैं जिसमें हम लोग को निमोनिक्स में याद रखना है LNG और फिर इसका ये आ जाएगा और फिर ZL याद रखना है बेसिकली। तो L से हो जाएगा आपका लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस, फिर इसमें N से हो जाएगा नर्वस इंटरमीडियस और G से हो जाएगा जेनिकुलेट गैंग्लियन और फिर G से हो जाएगा आपका ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। फिर इसके बाद इसमें टेरिगोपेलेटाइन गैंग्लियन जो होता है ओरिजिन दे देगा पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पेटिक फाइबर को। फिर ZL था तो Z से आपका हो जाएगा जाइगोमेटिक नर्व और जाइगोमेटिक को टेम्पोरल नर्व, और फिर L था तो L से होगा लैक्रिमल नर्व ऑफ लैक्रिमल नर्व टू लैक्रिमल ग्लैंड। ये बेसिकली आपका पैरासिम्पेटिक पाथवे ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड है। इसके बाद हम लोग सिम्पेटिक पाथवे देख लेंगे। तो सिम्पेटिक पार्ट में सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे T1 स्पाइनल सेगमेंट से स्टार्ट होगा, फिर ये सुपीरियर सर्वाइकल सिम्पेटिक गैंग्लियन में चला जाएगा जो ओरिजिन देगा पोस्ट गैंग्लियोनिक सिम्पेटिक फाइबर को। इसके बाद ये सिम्पेटिक प्लेक्सेस में चला जाएगा, हमें याद रखना है अराउंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होता है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे। इसके बाद ये डीप पेट्रोसल नर्व में चला जाएगा, उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें सेम हो जाएंगी, टेरिगोपेलेटाइन गैंग्लियन में चला जाएगा लेकिन याद रखना है कि इसमें रिले नहीं होता है। फिर आपका वही जो ZL था जाइगोमेटिक नर्व, जाइगोमेटिक को टेम्पोरल नर्व और L से आपका वही लैक्रिमल नर्व टू लैक्रिमल ग्लैंड। इसके बाद इसकी आर्टरियल सप्लाई होती है लैक्रिमल आर्टरी होगी जो ब्रांच है ऑप्थेल्मिक आर्टरी की, याद रखना है। वेनस ड्रेनेज में आपकी ऑप्थेल्मिक वेन्स हो गई। इसमें हम लोग को याद रखना है जैसे हम लोग लैक्रिमल एपरेटस पढ़ रहे हैं तो आई ड्रॉप कैसे हम लोग को डालना है। तो सबसे पहले अप्लाई जब भी आई ड्रॉप करते हैं तो एक्सपोज करेंगे हम लोग लोअर कंजक्टाइवल सैक को, पेशेंट को हम लोग कहेंगे कि ऊपर देखना है और जेंटल ट्रैक्शन से हम लोग उसको अप्लाई करेंगे लोअर आईलिड्स में। डेक्रोसिस्टाइटिस इसका क्लिनिकल अप्लाइड हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ लैक्रिमल सैक ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नेसो लैक्रिमल डक्ट, इसकी वजह से क्या होगा रिटेंशन ऑफ द म्यूकस एंड टीयर इन द सैक हो जाएगा। एपिफोरा इसका एक और अप्लाइड हो गया, ओवरफ्लो ऑफ द टीयर्स हो जाएगा, आर्टिफिशियल टीयर्स, बेल्स पाल्सी, हाइकर लैक्रिमेशन हो जाएगा जिसमें टीयर्स का टीयर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द डक्ट हम लोग याद रखेंगे। थैंक यू।